नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इंडिपेंडेंट टीवी के बारे में आप सभी को पता है कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमें काफी दिनों से बंद ही देखने को मिल रही है, और इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस है आज या कल ऐसे करते करते हमारी काफी दिन निकाल चुकी है और इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमें नहीं देखने को मिल रही। जी हाँ दोस्तों, अब इंडिपेंडेंट टीवी का क्या नया अपडेट्स निकल के आया और क्या इंडिपेंडेंट टीवी के प्रति किसी ने कहा है, ये सारी की सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको 50 रुपीज का पेटीएम कैश प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है, लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके अकाउंट के अंदर तुरंत ही 50 रुपीज का पेटीएम कैश आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे हमारी इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस के रिगार्डिंग। तो इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस काफी दिनों से हमें ठप्पी देखने को मिल रही है और इंडिपेंडेंट टीवी सर्विस स्टार्ट करने का नाम नहीं ले रहा। इंडिपेंडेंट टीवी हर बार एक नई तारीख हमारे सामने रख देता है, जैसे कि उसने पहले हमारे को तारीख रखी थी 15 अगस्त की, और जैसे हमारा 15 अगस्त आया और 15 अगस्त के इवनिंग में इंडिपेंडेंट टीवी ने नई तारीख हमारे सामने रख दी कि इंडिपेंडेंट टीवी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में गड़बड़ी हो रही है, कुछ बारिश की वजह से इंडिपेंडेंट टीवी के इंस्ट्रूमेंट्स डैमेज हो चुके हैं और उसकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही। जो इंडिपेंडेंट टीवी का मुंबई ऑफिस है वहाँ पे भी नहीं हो पा रही, और इंडिपेंडेंट टीवी का जो बेंगलोर ऑफिस है वहाँ पे भी किसी प्रकार की मान लीजिए डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा था, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को स्टार्ट नहीं कर पाया। और इंडिपेंडेंट टीवी ने साफ साफ कह दिया था कि इंडिपेंडेंट टीवी 21 तारीख के बाद में कभी भी अपनी सर्विस को रिज्यूम कर सकता है, अपनी सर्विस को स्टार्ट कर सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, आज 21 तो क्या 23, 24, 25 भी आने वाली हो रही है हमारी, और आज हमारी इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस आज तक भी हमें नहीं देखने को मिल रही। तो इंडिपेंडेंट टीवी के एक जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने बिल्कुल सही कहा इंडिपेंडेंट टीवी के प्रति कि इंडिपेंडेंट टीवी हमारे साथ एक मजाक कर रहा है और इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस अब हमें नहीं देखने को मिलने वाली। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और बिल्कुल हमें भी उनकी बात पे ये मान लीजिए यकीन होता हुआ आ रहा है कि इंडिपेंडेंट टीवी वाकई में हमारे साथ एक मजाक कर रहा है और इंडिपेंडेंट टीवी अपनी सर्विस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करने वाला। और अब तो इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस ये मान लीजिए हमें देखने को भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि अब हमारा रिलायंस का नया रिलायंस गीगा फाइबर हमारा लॉन्च होने वाला है 5 सितंबर को, और इंडिपेंडेंट टीवी की जो नेक्स्ट हेयरिंग डेट हमारी 12 सितंबर हमारी रखी गई थी टीडी सेट्स के अंदर, और इंडिपेंडेंट टीवी 12 सितंबर से पहले अपनी सर्विस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और इंडिपेंडेंट टीवी अगर सर्विस को स्टार्ट भी कर देता है 5 या 6 या 7 तारीख को, तो इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस को कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तब तक हमारा रिलायंस का नया जियो गीगा फाइबर हमारा लॉन्च हो चुका होगा, और रिलायंस का जियो का 1 गीगा फाइबर की मान लीजिए एडवांस बुकिंग हमारी स्टार्ट हो रही है और सभी लोग उसको उत्सुक हैं रिलायंस गीगा फाइबर लगाने के लिए, क्योंकि रिलायंस गीगा फाइबर हमें 4K HD टेलीविजन और हमारा 4K HD सेटअप बॉक्स भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है केवल हमारे एनुअल प्लान परचेजिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस अब वाकई में ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस अब स्टार्ट नहीं होने वाली और इंडिपेंडेंट टीवी हमारे साथ एक मजाक कर रहा है और हर बार एक नई तारीख देकर हमारे साथ ये मान लीजिए जैसे कि इंडिपेंडेंट टीवी एक हमारे साथ टाइम पास कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स ने बिल्कुल सही बात कही है कि इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस हमारे नहीं स्टार्ट होने वाली, क्योंकि इंडिपेंडेंट टीवी हमारे साथ टाइम पास कर रहा है, हर बार वो हमें नई तारीख दे देता है और उस तारीख के ऊपर अपनी सर्विस को बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर पाता। तो दोस्तों, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन निकल गई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी इंडिपेंडेंट टीवी के उपभोक्ता को पता लग सके कि इंडिपेंडेंट टीवी वाकई में हमारे साथ एक मजाक कर रहा है और इंडिपेंडेंट टीवी की सर्विस अब हमें नहीं देखने को मिलने वाली। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।